हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था और वहां पर हमने देखा था ओम्स लॉ में कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम सर्किट के अक्रॉस किसी भी एक कंडक्टर के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग सप्लाई करते हैं बैटरी से, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस दी सर्किट, राइट। ये हमने ओम्स लॉ में देखा था और फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने हटाया था और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने लिखा था कैपिटल आर, जहां कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। ये पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, रेजिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, जो कि होता है वोल्ट पर एम्पियर, राइट। रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस इज दी प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर जिसकी वजह से वो अपने थ्रू फ्लो करने वाले चार्जेस के मोशन को अपोज करते हैं, राइट। अच्छा बच्चों देखिए, V इज इक्वल्स टू I आ रहा है, तो मैंने लिखा था R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, और मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस जो है वो हालांकि फॉर्मूले में दिख रहा है कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में V न्यूमरेटर में और I डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ऐसा लगता है एज इफ की रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मगर ऐसा होता नहीं। होता इसीलिए नहीं क्योंकि समझिए V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर V डबल हो जाएगा तो I भी डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि हम रेजिस्टेंस पोटेंशियल को डबल कर दें 2V, नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहले पोटेंशियल डिफरेंस था V, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया 2V, ठीक है। ओके, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस जब डबल होगा तो करंट भी तो डबल हो जाना चाहिए ना बच्चों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका V अपॉन I के बराबर आ रहा है, जो कि R डैश के बराबर, सॉरी, जो कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस R के बराबर, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस और ओल्ड रेजिस्टेंस दोनों सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने पर रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका यही मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। तो यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि रेजिस्टेंस ये इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरी बात रेजिस्टेंस जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और ना ही करंट पर डिपेंड करता है। तो आखिरकार ये डिपेंड किस चीज पे करता है, रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, यही हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। तो हालांकि आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना है, 10th में 12th में जाएंगे और अगर फिजिक्स लेंगे तो वहां पर आप प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, इसको समझिएगा। देखिए पहला पार्ट है बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। सपोज करिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लेते हैं इस कंडक्टर का लेंथ है एल, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। क्या बच्चों, एक कंडक्टर जिसका लेंथ एल और क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, देखा गया, ये सब ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। देखा गया कि व्हेन लेंथ इज चेंज्ड, व्हेन लेंथ इज चेंज्ड रेजिस्टेंस चेंजेस, ठीक है। क्या देखा गया है कि अगर हम एक कंडक्टर के लेंथ को बदल देते हैं तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बदल जाता है। किस तरीके से बदलते हैं, अगर आप का लेंथ एल है, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस आर है, तो देखा गया है कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, लेंथ को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है, नया रेजिस्टेंस, वो भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के डबल हो जाता है। क्लियर है बात, समझ रहे हैं आप, लेंथ और रेजिस्टेंस एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। भाई कुछ लेंथ है
तो कुछ रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। अगर आप उस कंडक्टर के लेंथ को 2L कर देते, पहले L था तब रेजिस्टेंस R था, अब आपने नए लेंथ क्या कर दिया 2L, लेंथ को डबल कर दिया, तो देखा जाता है कि रेजिस्टेंस जो वो भी डबल हो जाता है। तो लेंथ को डबल करने पर रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, वैसे ही लेंथ को आप 5 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस 5 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ को आप 10 टाइम्स करेंगे रेजिस्टेंस 10 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ को आप हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस जो है एक कंडक्टर का बच्चों, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिस हिसाब से हम लेंथ को बदलते हैं उसी प्रोपोर्शन में उसी हिसाब से कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी बदल जाता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है कि जब हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को बदलते हैं, ठीक है, व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं CSA लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, जब क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग चेंज करते हैं, व्हेन CSA इज चेंज्ड, ठीक है, तब भी रेजिस्टेंस हमारा बदलता है, तब भी हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है देखिएगा, अगर सपोज करिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उस वक्त अगर रेजिस्टेंस आपका आर है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को जब आप डबल करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है बच्चों, नया रेजिस्टेंस वो हाफ हो जाता है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को आपने जिस हिसाब से बढ़ाया रेजिस्टेंस उसी हिसाब से कम हो जा रहा है। यहां 2 के फैक्टर से आप बढ़ा रहे हैं तो ये 2 के फैक्टर से कम हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/2 टाइम्स हो जाएगा, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को 5 टाइम्स करेंगे रेजिस्टेंस 1/5 टाइम्स हो जाएगा, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को 10 टाइम्स कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जो वो 1/10 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि आप जैसे जैसे एरिया को बढ़ाते चले जाएं क्रॉस सेक्शन एरिया को, जो रेजिस्टेंस है वो उसी प्रोपोर्शन में कम होता चला जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करें, कंबाइनिंग वन एंड टू, अगर इक्वेशन वन और टू कंबाइन करते हो क्या लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। देखिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही तो आया हमारा दोनों में। और अब मैं अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दूं तो बच्चों मेरा आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट आएगा उसको मैं ऐसे लिखता हूं रो, इसे रो कहते हैं, रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या बच्चों, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहां एल और ए जो है बच्चों ये आपका डायमेंशन होता है। क्या होता है? डायमेंशन, इसको हम लोग ज्योमेट्री भी कहते हैं, डायमेंशन या फिर आप ज्योमेट्री कह लीजिए। ठीक है, और रो जो है ये नेचर ऑफ मटेरियल होता है, ये क्या होता है? नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक लेंथ, एक एरिया, इन दोनों को आप चाहे तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायमेंशन या ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, और दूसरा रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, यानी अलग अलग मटेरियल के लिए रो की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे गोल्ड है उसके लिए इस रो की वैल्यू अलग है, अगर आप सिल्वर लेते हैं उसके लिए रो की वैल्यू अलग है, एल्यूमिनियम लेंगे उसके लिए रो की वैल्यू अलग है। तो मटेरियल मटेरियल पर डिपेंड करता है कि रो की वैल्यू क्या होगी। रो जो है बच्चों हमारा यहां पर रो, इसे हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को हम लोग कैसे लिखेंगे? रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं ए को उधर ले आते तो आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, क्या हो जाएगा? आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, और इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों वो क्या होनी चाहिए? रेजिस्टेंस का हो जाएगा ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर यानी कि ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है,
जैसे रेजिस्टेंस आपने देखा था ना, एक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो एक अपने थ्रू फ्लो करने वाले चार्जेस को अपोज करते हैं, वैसे ही रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कि बताता है कि ये मटेरियल किस हद तक चार्ज को अपोज करेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, विच टेल्स द एक्सटेंट ऑफ द अपोजिंग of the opposition of flow of charge, ठीक है बच्चों। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी, कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो कि बताता है कि किस एक्सटेंट तक चार्जेस के फ्लो को अपोज किया जाए, कितना ज्यादा या कितना कम चार्जेस के फ्लो को अपोज किया जाएगा। इसकी यूनिट क्या है? ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस का जो एक्चुअल फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, जैसे वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, जो मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, क्या R की जगह हम लोग रो L बाई A लिख सकते हैं ना, तो यहां से हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू रो L अपॉन A, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन, और एक ये दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। न्यूमेरिकल में आप इन दोनों को इस्तेमाल करें, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ ही है, ये भी ओम्स लॉ का ही पार्ट था, इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल ना कराकर पहले इसको करा दिया। अब जो अगला लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जहां ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक आप ओम्स लॉ और ये वाला टॉपिक दोबारा से एक बार पढ़ लीजिएगा, अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऑलराइट, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।